सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लुकास टेस्ट। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लुकास टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं। जैसे ही आपको पता लगेगा कि किस लिए करते हैं, आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा लेंगे कि एक्चुअल में लुकास टेस्ट कौन से चैप्टर से या फिर कौन से कंपाउंड से एसोसिएटेड है। सबको समझ में आ गया? तो सबसे पहले रीजन लिखिए, व्हाई वी हैव टू डू लुकास टेस्ट। सो पहला रीजन, नंबर वन लिखिए, पहला रीजन, जस्ट टू आइडेंटिफाई अल्कोहल डिग्री, डिग्री को मैं यूं लिख देता हूं, चलो अल्कोहल डिग्री, वेदर इट इज 3 डिग्री अल्कोहल और इट इज 2 डिग्री अल्कोहल और इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। आप लुकास टेस्ट इसीलिए करते हो कि आप अल्कोहल की डिग्री को पता कर सको कि वहां पर जो अल्कोहल आपने लिया है वो 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूं कि ये 3 to 1 डिग्री अल्कोहल होता क्या है, बहुत आसान है। देखिए, अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये कार्बन, ये OH बॉन्ड लाइन डायग्राम बना रहा हूं, वो अगर 3 कार्बन चैन से जुड़ा हो, मिथाइल एथाइल व्हाटएवर, यहां पर ये भी हो सकता है कि यहां पर CH3 ग्रुप लगे हो, आता है सबको समझ में। ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या हो गया, 3 डिग्री। अगर ये कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो खुद 2 ही कार्बन या कार्बन चैन से जुड़ा हो तो वो क्या हो गया, 2 डिग्री। यहां पर मिथाइल ग्रुप हो सकता है, सपोज मैं यहां पर मिथाइल ग्रुप ले लेता हूं, आता है समझ में, ये कार्बन की बात कर रहा हूं, यहां पर आप लगा सकते हैं CH, क्लियर होता है, ये 2 डिग्री। और अगर ये कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हो वो सिर्फ 1 ही कार्बन चैन से जुड़ा हो, ठीक है, ये मैं लगा देता हूं जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए, अदरवाइज बॉन्ड लाइन डायग्राम में लगाते नहीं है, क्लियर होता है। सो अगर वो सिर्फ 1 ही मिथाइल ग्रुप से या फिर 1 ही कार्बन चैन से जुड़ा हो, बेसिकली उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो आप यहां पर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब सवाल आपके सामने ये आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन करवाया, तो आप इसको इस चैप्टर में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाता हूं, ध्यान से उसको देखिए, इसका सेकंड रीजन आपको इसका जवाब देगा कि एक्चुअल में ये हेलो एल्केन हेलो एरीन के क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको सेकंड रीजन लिखवाता हूं। आपको सेकंड रीजन में क्या लिखना है, दैट इज यहां पर आप इससे ये आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि विच अल्कोहल गिव्स फास्टेस्ट एल्काइल हैलाइड। यहां से आप यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल यहां पर फास्टेस्ट एल्काइल हैलाइड देगा। तो अपने आप देखिए, क्या ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं बन गया? यहां पर हम लोग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से ये चेक कर सकते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा तेजी से एल्काइल हैलाइड कौन देगा। अब ये कैसे हो गया, जरा ध्यान से इसको समझिए। आप लोग याद करिए कि मैंने जब आप लोगों को एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड पढ़ाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आप एल्कोहल से भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। याद करिए वो केमिकल रिएक्शन कि आपने सबसे पहले अल्कोहल लिया था, उसकी रिएक्शन आपने HCl से करवाई थी और आपने यहां पर एरो पे लिखा था ZnCl2, क्लियर होता है। और यहां से आपके पास हुआ कुछ यूं था कि ये OH चला गया था H के साथ, याद है, मैं आपको दिखाता हूं, ये OH ये H के साथ चला गया था, यहां से वाटर आपने बाहर निकाला था और यहां पर RCl आपने बना दिया था, एल्काइल हैलाइड, याद है। तो ये अल्कोहल है और ये HCl और ZnCl2 से आपने रिएक्शन करवाया और यहां पर RCl आपने फॉर्म किया, वाटर बाहर निकाला, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। एक्चुअल में पता है इस ये जो आपने लिया है ना, यहां पर HCl और ZnCl2 की जोड़ी, ये HCl प्लस ZnCl2 की जोड़ी ही क्या कहलाती है, ल्यूकास रिएजेंट कहलाती है। बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, इसको हम लोग ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं। अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब तो आपको मालूम पड़ गया कि ये एल्काइल हैलाइड में क्यों पढ़ाया जाता है। और सबसे खास बात, जरा ध्यान से इसको देखिए, यहां पर ये R अब यानी कि ये कार्बन चैन जो कि अल्कोहल से लगी हुई है वो कुछ भी हो सकती थी, वो 3 डिग्री भी हो सकती थी, वो 2 डिग्री भी और वो 1 डिग्री भी, पर हमें ये चेक करना है कि 3 डिग्री अगर लगाता तो ये रिएक्शन कैसे होती, उसकी स्पीड क्या होती, 2 डिग्री लगाता तो क्या होती, 1 डिग्री लगाता तो क्या होती। और इसमें इतना मजेदार है कि लैब में आप करोगे तो तुरंत पता लग जाता है इससे कि अल्कोहल कौन सा है।
सबको समझ में आ गया, बड़े ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो देखती लुकास टेस्ट एकदम आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहां पर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के यहां पर स्पेसिफिकेशन लिखता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लैब में ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पर सवाल बहुत आते हैं। सपोज कीजिए कि मैं यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल लेता, मतलब 3 डिग्री का यहां पर मतलब समझा देता हूं, CH और OH, ध्यान से उसको देखिए, 3 डिग्री का मतलब जरा ध्यान से उसको देखिए, ये हो गया CH3, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया क्योंकि मुझे 3 डिग्री बनाना था, तो ऑब्वियसली उसके 4 बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड यहां पर कंप्लीट हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड उसने देखिए, 3 बॉन्ड में यहां कार्बन की चेन्स हैं, यानी कि मिथाइल ग्रुप है, और 1 बॉन्ड उसने OH ग्रुप के साथ बनाया, क्लियर होता है। सो ये 3 डिग्री होता है। अब मजे की बात देखिए, यहां पर 3 डिग्री की रिएक्शन अगर आप सिर्फ HCl से भी करवा देंगे, ZnCl2 की प्रेजेंस नहीं भी है तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ZnCl2 और HCl लिखा है, तो यहां तुरंत क्या होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से उसको समझिएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और यहां से वाटर तो बाहर निकलने वाला ही है, लेकिन मजे की बात, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इंस्टेंटली बन जाएगा। इंस्टेंटली मतलब समझते हो, इंस्टेंटली का मतलब यह है विद इन अ सेकेंड, तुरंत, जैसे ही अगर आपने सपोज अगर आपने बीकर यो जो कंटेनर या बीकर के अंदर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है और उसमें लुकास रिएजेंट डाल दिया, तो तुरंत आपका इंस्टेंटली क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तुरंत बन जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा, उसका रीजन है, देखिए जब अगर कंटेनर में या बीकर में सिर्फ आपने 3 डिग्री अल्कोहल ही लिया है तो वो पानी की तरह होगा, लेकिन जैसे आप HCl और ZnCl2 इंट्रोड्यूस कराओगे तो वो धुंधला हो जाएगा, उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी तुरंत, ठीक है। तो यहां पर इंस्टेंटली कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहां पर इंस्टेंटली टर्बिडिटी आ जाएगी, तो मैं लिख देता हूं इंस्टेंटली टर्बिडिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, ये पानी कैसा होता है बिल्कुल साफ, लेकिन आप उसमें कुछ मिला दो, ठीक है, तो उसमें धुंधलापन आ जाएगा, और दिखना, उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं, क्लियर होता है। सो यहां पर 3 डिग्री अगर आपने डाला है और उसमें आपने अगर जैसे ही लुकास रिएजेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया तो वहां तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, तुरंत मतलब विद इन अ सेकेंड, और अगर विद इन अ सेकेंड आ रही है इसका मतलब वो 3 डिग्री है, तुरंत समझ में आ जाएगा, समझ में आता है सबको। इमेजिन करके देखो कि आपने कंटेनर के अंदर क्या लिया, नॉर्मल ये कोई सॉल्यूशन डाला, आपको नहीं पता वो 3 डिग्री है, लेकिन जैसे आपने HCl और ZnCl2 इंट्रोड्यूस कराया उसके अंदर तुरंत वो धुंधलापन आ गया, अगर तुरंत आ गया तो मतलब समझ जाओ कि हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है, सबको समझ में आ गया। अब हमें पता नहीं था कौन सा है लेकिन पता लग गया। अगर ये 2 डिग्री होता, ध्यान से इसको समझिए, अब मैं सीधे बॉन्ड लाइन डायग्राम बना रहा हूं, नाउ इफ इट इज 2 डिग्री और अगर इस सॉल्यूशन में आपने जैसे ही HCl और ZnCl2 इंट्रोड्यूस करवाया तो यहां पर 2 डिग्री हैलाइड बनेगा, लेकिन इसको बनने में कम 3 से 5 मिनट लगेंगे, 3 to 5 मिनट लगेंगे, तो इसका मतलब 3 से 5 मिनट में यहां पर टर्बिडिटी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, जो धुंधलापन है यहां पर कम से कम 3 से 5 मिनट लेगा आने में, आप यू हैव टू शेक इट, आपको शेक करना पड़ेगा, उसके बाद टर्बिडिटी आएगी, इसका मतलब अगर आपको शेक करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको घुमाना पड़ रहा है, उसके बाद 3 से 5 मिनट बाद अगर टर्बिडिटी आती है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा है, ये 2 डिग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा, और 3 डिग्री में फास्टेस्ट होता है, फास्टेस्ट मतलब तुरंत रिएक्शन होती है। और देखिए मजे की बात, अगर ये 1 डिग्री है, ध्यान से इसको देखिएगा, और आपने नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब ये तो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, जिस टेम्परेचर पे आप बैठते हो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस में, तो यहां पर 3 डिग्री में तुरंत, 2 डिग्री में यहां पर 3 से 5 मिनट, लेकिन 1 डिग्री के अंदर अगर आपने जैसे ही HCl और ZnCl2 इंट्रोड्यूस करवाया तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, मैं यहां 2 कंडीशन बना देता हूं, अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर रखा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर रखा तो यहां पर कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आपको टर्बिडिटी दिखाई ही नहीं देगी, क्लियर होता है। लेकिन फिर भी अगर आपने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो कम से कम 30 मिनट लगेंगे और आपको शेकिंग करनी पड़ेगी बराबर, तब जाके कहीं टर्बिडिटी आएगी, तो ये इम्पॉसिबल टास्क है, क्लियर होता है सब लोगों को। मतलब आप यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे
क्लियर होता है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ 30 मिनट तक आपको शेकिंग करनी है टेम्परेचर बढ़ा के, तब जाके टर्बिडिटी आएगी। मतलब यहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे तब टर्बिडिटी आएगी। इसका मतलब जरा समझे, आपने एक गिलास में आपको आपके जो इंस्ट्रक्टर है उसने सॉल्यूशन दिया, वो आपको पता नहीं कि कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, बस सिंपल सी काम है आपको HCl और ZnCl2 उसमें इंट्रोड्यूस कराओ। अगर तुरंत टर्बिडिटी आ गई तो 3 डिग्री है, 3 से 5 मिनट लिए टर्बिडिटी आने में तो 2 डिग्री है, और आई ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे तो आएगी ही नहीं। क्लियर होता है, उसका रीजन मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। इसका मतलब वो कौन सी है, वो 1 डिग्री है। क्लियर होता है। सो यहां पर 1 डिग्री में सबसे स्लोएस्ट है और 3 डिग्री में सबसे फास्टेस्ट है, तो इनका जवाब आपको मिल गया होगा कि विच एल्कोहल गिव्स फास्टेस्ट एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री सबसे फास्टेस्ट होता है जिसके अंदर लुकास टेस्ट, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। और यह सवाल काफी बार पूछा जाता है कि लुकास रिएजेंट के साथ फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करता है, 3 डिग्री कार्बन चैन वाले कंपाउंड एल्कोहल कंपाउंड्स यहां पर सबसे फास्टेस्ट, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्टेस्ट, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। सबको समझ में आ गया। इससे यहां पर एक और बढ़िया सी एक चीज निकल के आती कि अल्कोहल तो सॉल्युबल होते हैं लुकास के अंदर, लेकिन एल्काइल हैलाइड टर्बिडिटी पैदा कर देते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, सबको समझ में आ गया, उनमें तुरंत टर्बिडिटी पैदा हो जाती है। सो मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आइडिया बहुत सिंपल है। 3 डिग्री इसका मतलब यहां पर कार्बोकेटाइन बनता होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होता है, पता है ना आपको। तो यहां से अगर आपको ऑर्गेनिक के बेसिक क्लियर है ना, तो तुरंत आइडिया हो जाता है इसका मतलब इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। सबको समझ में आता है, मैकेनिज्म देखते हैं उसके बाद मजा आएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन यहीं से आते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, लुकास टेस्ट के पीछे की मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से उसको देखिएगा, उसके बाद आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 3 डिग्री में फास्टेस्ट क्यों है। क्लियर होता है। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर एक अल्कोहल लेते हैं। सपोज करिए कि हम मैंने क्या ले लिया, ROH, ठीक है, ये एक अल्कोहल ले लिया। मुझे नहीं पता ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, जरा ध्यान से मैकेनिज्म को देखिए तो ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। देखिए यहां पर ROH मैंने लिया, उसका रिएक्शन देखिए, यहां पर हमने क्या डाल रखा है, ZnCl2। सबसे पहले यहां पर ZnCl2 पिक्चर में आएगा। अब आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ZnCl2 क्या होता है, ये लुईस एसिड होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप ध्यान से इसको देखिए, कई लोगों को लगता है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपाउंड प्योरली आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है, फजान रूल के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है। और वैसे भी आप जब पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होने लगता है बॉन्ड्स में, यस और नो, और ये कितने नंबर पर आता है, ये 30 नंबर पर आता है। समझ में आ गया, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्योरली आयनिक कंपाउंड तो नहीं है। क्लियर होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर है। सो फाइनली अगर है तो यहां पर जिंक ने क्या कर रखा है, क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना के रखे हैं। तो आप देखिए यहां क्या जिंक का ऑक्टेट पूरा है, नहीं है, इसके पास तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जिंक को, आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जिंक को कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह AlCl3 भी काम कर रहा था। अब देखिए यहां पर एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, फिर भी वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन याद करिए, इसका मतलब ये अभी लुईस एसिड की तरह काम करेगा, और इस जिंक को अभी इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, और इसके पास डी ऑर्बिटल भी खाली है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इसको इलेक्ट्रॉन देगा जी, यहां पर देखिए ये ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर्स हैं, तो करता कुछ यूं है कि ये करता है यहां पर ऑक्सीजन इस जिंक को इलेक्ट्रॉन डोनेट। अगर ये डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, जरा चेक कीजिए, ये R, ये O, ये H को मैं यहां लगा देता हूं। अब ये जिंक के साथ ZnCl2 यहां पर जुड़ गया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस जिंक पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर होता है, तो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव वाला सीन कुछ अच्छा जम नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने यहां से इस R से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और इसको फ्री कर देगा। तो फाइनली यहां पर जरा चेक कीजिए, अगर इसको विड्रॉ करके फ्री करता है तो क्या होगा, यहां से R प्लस की जनरेशन होगी, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, और यहां से क्या बन रहा है, प्लस साथ में। अब मैं यहां पे आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा, ये बन रहा है साथ में ZnCl2, हमें इससे मतलब तो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के प्लस साइन खत्म हो गया और जिंक के ऊपर माइनस का साइन है, दिखाई दे रहा है। प्लस यहां पर कैटायन, देखिए कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। अब यहां पर कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है,
और ये सबसे ज्यादा स्लो स्टेप होता है, इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। कार्बोकेटाइन की जनरेशन सबसे ज्यादा स्लो होती है। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करेगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो आप खुद ही बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना किसके, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के, सी प्लस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबको समझ में आ गया, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट है तो यहां पर 3 डिग्री लोगे तो ये फास्टेस्ट होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब अगर R प्लस 3 डिग्री हुआ तो सबसे फास्टेस्ट, 2 डिग्री हुआ तो स्लो होगा, 1 डिग्री हुआ तो स्लोएस्ट होगा। इसका मतलब 1 डिग्री के अंदर रिएक्शन जो है सबसे धीमे होगी। क्लियर होता है? अब क्या होने वाला है, अब बहुत ही आसान है। अब देखिए ये है R प्लस और यहां पर क्या बना हुआ है, जरा चेक कीजिए, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और यहां पर बना हुआ है ZnCl2। क्लियर होता है? और यहां पर है जी माइनस। अब देखिए अंदर आपके पास HCl भी है जो क्या देगा आपको, H प्लस एंड Cl माइनस, यस और नो? HCl अंदर डाल रखा है ना, आपको पता है लुकास लिए रिएजेंट क्या था, HCl प्लस ZnCl2 था। क्लियर होता है? सबसे पहले ZnCl2 पिक्चर में आया जिसने कार्बोकेटाइन की जनरेशन करी। अब HCl में क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस, अब खुद से सोचिए। यहां पर ये देखिए ये माइनस किसके साथ जाएगा, R के साथ, तो यहां से क्या बना लेगा, RCl की फॉर्मेशन करेगा और ये काम 3 डिग्री में फास्टेस्ट होगा, फास्टेस्ट। क्लियर होता है? अब देखिए एच प्लस किधर जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, एक्चुअल में यहां पर एंट्रोपी सपोर्ट करिए, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एंट्रोपी सपोर्ट करेगी इस चीज को कि यहां पर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को एंट्रोपी सपोर्ट कर, थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल है। ये देखिए इस ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। क्लियर होता है? और अपने इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ कर ले ताकि पानी बाहर निकल जाए। क्लियर होता है? पानी की एंट्रोपी ज्यादा होती है तो फाइनली वाटर यहां से क्या, दोबारा सुन लो, हालांकि इसको बताने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब ये ऐसा नहीं कि H प्लस Zn के साथ चला जाएगा, उस पर माइनस लगा हुआ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ध्यान से उसको देख लीजिएगा, यहां पर ये ऑक्सीजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और यहां से अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जो उसने दिए थे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2O बाहर निकलेगा और प्लस साथ में ZnCl2 कैटलिस्ट था वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया, क्योंकि इसने विड्रॉ कर ली तो इसका माइनस का साइन खत्म हो गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए, इस H प्लस को, और यहां से H2O बाहर निकल गया। क्लियर होता है? तो फाइनली यहां पर RCl ZnCl2 तो कैटलिस्ट था, वो कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसा डालते हो वैसा ही बाहर निकल जाता है, तो वो ZnCl2 बाहर निकल गया, वाटर साथ में बाहर निकला और RCl की फॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो रही है, तो 3 डिग्री के अंदर ये फास्टेस्ट होगा और 1 डिग्री में स्लोएस्ट। क्लियर होता है सब लोगों को? लेकिन यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से उसको समझ लीजिएगा, मैंने लेकिन लगा दिया, इसका मतलब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। पर आपको ये तो क्लियर हो गया ना यहां पर कि मैकेनिज्म क्या है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसमें ZnCl2 का अच्छा खासा रोल है जो कि लुईस एसिड की तरह काम करेगा। और मैंने आपको कहा कि 1 डिग्री में स्लोएस्ट होता है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन भी है, अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबल है तो उसके अंदर भी लुकास टेस्ट पाया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से उसको समझिएगा, ये देखिए सपोज आपने ये वाला कंपाउंड लिया होता है एल्कोहल, मतलब यहां पर क्या है, फिनाइल बेंजीन है और उसमें आपने यहां पर लगा रखा है, सपोज कीजिए यहां पर CH2 लगा हुआ है और यहां पर OH लगा हुआ है, मतलब आप कैसे भी दिखा सकते थे 1 2 3 4। अब अगर ये आपने लिया होता तो जरा चेक कीजिए, जैसे ही ऑक्सीजन यहां से आपने हटाया तो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है ये वाला, ध्यान से इसको देखिए, ये कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ध्यान से इसको देखिएगा, CH2 और यहां पर आएगा प्लस। अब ये जो है आपके पास ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, हालांकि ये 1 डिग्री है, चेक कीजिए, ये कार्बन जिस OH से जुड़ा हुआ है वो खुद एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, मैं क्लियर करता हूं 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन इससे जो कार्बोकेटाइन पैदा हो रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो इसका मतलब वो कार्बोकेटाइन स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसका मतलब यहां पर जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है, और अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है इसका मतलब आप आसानी से इसमें आगे जा सकते हैं, HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा, CH2 तो यहां पे है ही और यहां पर Cl लग जाएगा, मैं इस तरफ लगा देता हूं, चलिए यहां पर लगा देता हूं Cl, ये देखिए तो यहां पर बेंजाइल क्लोराइड बन गया। क्लियर होता है सब लोगों को? तो यहां पर हर एक चीज स्पेसिफाई है, आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, याद होगा आप लोगों को। तो यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन जहां पर रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो
जहां पे भी रेजोनेंस होगा वो कार्बोकेटाइन यानी कि इंटरमीडिएट स्पीसी को स्टेबल बनाता है, कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोएनायन उनको स्टेबल बनाने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी को आप काउंट करोगे, वो स्टेबल होता है और वहां पर आसानी से आगे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। बड़े कॉमन चीजें हैं, बहुत ही कॉमन है, और रेजोनेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। क्लियर होता है, जहां रेजोनेंस है वो पर्टिकुलर स्पीसी स्टेबल होती है और यहां पर स्टेबलाइज कर रहा है ये। क्लियर होता है, तो ध्यान रखिएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, सपोज आप फिनोल लेते और आपसे पूछा गया कि बताइए फिनोल में क्या यहां पर ये लुकास टेस्ट होगा, HCl और ZnCl2 से रिएक्शन कराओगे तो होगा, नहीं होगा। अब आप कहेंगे यहां क्यों नहीं हो रहा, आप यहां से हटाइए ना OH हटाएंगे तो फिनाइल के ऊपर आ रहा है। अब देखिए यहां पर फिनाइल का कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ये हमने पहले भी बताया था। ध्यान रखिए इसमें और उसमें फर्क है, यहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता है, क्लियर हो गया, लेकिन यहां रेजोनेंस हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ये अल्टरनेट बॉन्ड और ये प्लस, ये क्या है, कंजुगेशन में आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर सकते हैं और उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, यहां पर तो ऑलरेडी ये देखिए यहां पर तो ऐसी कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं। क्लियर होता है, इसका मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है, इसमें नहीं हो सकता लेकिन इसमें हो सकता है। क्लियर हो गया, यहां पर छोटे छोटे फंडामेंटल क्वेश्चन है जो काफी बार पूछे जाते हैं। फिनोल में लुकास टेस्ट पॉसिबल नहीं है, यहां से आप यू नो एराइल हैलाइड नहीं बना सकते हो, क्लियर हो गया, लेकिन वहां पे तो है, क्लियर होता है, तो वहां पे बना सकते हो लेकिन यहां पे नहीं बन सकता है क्योंकि फिनाइल का जो कार्बोकेटायन है वो हाईली अनस्टेबल है, नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया, तो यहां पर ये SN1 मैकेनिज्म से तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसके दूसरे रास्ते हैं, SN2 मैकेनिज्म से होगा, लेकिन आपको टेम्परेचर प्रेशर आपको लगाने पड़ेंगे, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगा। क्लियर हो गया, रूम टेम्परेचर की कंडीशंस में नहीं होगा, टेम्परेचर भी आपको बता रखा है 600 के करीब, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो कि SN2 मैकेनिज्म से होता है, हमने एराइल हैलाइड की मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था। क्लियर होता है, सो यहां पर 600 करीब टेम्परेचर चाहिए, 300 ATM करीब आपको प्रेशर चाहिए, तब होगा, अदरवाइज नॉर्मल में पॉसिबल नहीं है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको करवा दिए, इसके मैकेनिज्म है और वो इनके क्वेश्चन है, इनको आप आराम से नोट डाउन कर लो, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर लुकास टेस्ट खत्म हो गया गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे और आगे वाले टॉपिक खत्म करेंगे। पहले तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा एल्काइल और एराइल हैलाइड के, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और नया चैप्टर को शुरू करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करना जरूरी है। और एक्चुअल में ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल था। अगली वीडियो में आपको इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या थी। क्लियर होता है, सो अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन गाइज ये जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें आप भी हमारा सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता हो, इतने दिन से आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो आप ही के बेनिफिट के लिए हम लोग एक वेबसाइट या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं जिसमें आप भी पार्टिसिपेशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत डोनेशन कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें, तो आप डोनेट करिए। अगर आप एबल हैं, आपके फादर एबल हैं, तो आप जितना चाहें उतना हमें डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन वाला जो आप पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं और ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन डोनेशन की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन, आप एक बार देख लीजिए। अगर आप चाहें तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, मेरे लेक्चर हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। लेकिन आगे अगर आपको और सुविधाएं चाहिए और आपको लगता है कि हम लोग कैपेबल हैं थोड़ा बहुत डोनेट करने के, तो ज़रूर करिए। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।